की कुछ अहम खबरें। इस साल पैदा बच्चा 2050 तक झेलेगा प्राकृतिक खतरे, जिस लैब से कोरोना वायरस फैला चीन उसे देगा शीर्ष अवार्ड। सोनिया गांधी के दरबार में पहुंची पंजाब की कलह, यूके की अदालत ने नीरव मोदी को दिया झटका। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शीरमल इलाके में मुठभेड़। भगोड़े विजय माल्या से वसूले गए 5,825 करोड़ रुपए, कश्मीर मंथन से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। घरेलू महिलाओं के 2,50,000 रुपए तक नकद जमा कर जांच नहीं, आज कोतवाली में होगी ट्विटर एमडी की पेशी। राजस्थान में निर्दलीय विधायकों पर छाया सीएम गहलोत का जादू। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। वैश्विक आबादी पर भूखे, सूखे और बीमारियों का कहर आने वाले दशकों में और तेज होगा। 2021 में पैदा होने वाले बच्चों को कम से कम अगले 30 वर्षों तक इन खतरों को झेलना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल का हालिया विश्लेषण तो कुछ यही चेतावनी देता है। IPCC के मुताबिक 2020 में कोरोना महामारी की दस्तक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चिंता की बात तो यह है कि आने वाले कुछ दशकों में भी वैश्विक आबादी के लिए आसान नहीं होंगे। कुपोषण यानी कि किल्लत और संक्रामक बीमारियां मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई और ये वायरस कैसे फैला, इसे लेकर कई विश्लेषणों की एक राय यह भी है कि ये वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में स्थित लैब में फैला था। हालांकि लैब से वायरस लीक होने की आशंका के बीच अब वुहान स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को चीन के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को COVID-19 पर बेहतरीन रिसर्च करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए यह शीर्ष अवार्ड देने के इरादे में उसे नामित किया है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि चीन की अकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से कहा गया है कि इस लैब द्वारा किए गए महत्वपूर्ण रिसर्च को तबौलत COVID-19 वायरस की उत्पत्ति, महामारी विज्ञान और इसके रोगजनक मैकेनिज्म को समझने में मदद मिली है। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिंधु के बीच मची कहल अब सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच गई है। पार्टी के महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि इस संबंध में अब सोनिया गांधी ही फैसला लेंगी। उनकी ओर से पंजाब सरकार और पार्टी में फेरबदल को लेकर 8 से 10 जुलाई तक फैसला किया जा सकता है। रावत ने कहा है कि सोनिया गांधी की ओर से पंजाब को लेकर बनाए गए पैनल ने CM कैप्टन अमरिंदर को मुलाकात की है और उन्हें मैनिफेस्टो के लिए गए 18 प्रमुखों वादों पर काम करने की सलाह दी है। भगोड़े नीरव मोदी को अब भारत लौटना ही पड़ेगा। यूनाइटेड किंगडम की अदालत ने नीरव मोदी को अब जोरदार झटका लगा है। बुधवार को यूके हाईकोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में आवेदन देकर भगोड़े हीरा कारोबारी ने कहा कि वो भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अदालत में अपील करना चाहता है, लेकिन अदालत ने उसके इसी आवेदन को खारिज कर उसे झटका दिया है। यानी अब नीरव मोदी अदालत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील नहीं कर सकेगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बुधवार को एक मुठभेड़ चल रही है। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में गोपनीय सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के शीरमल क्षेत्र में एक तलाशी अभियान चलाया है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर आज बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम ने उनके 5,825 करोड़ रुपए के शेयरों के हेनकेन को बेचकर 70% लोन को रिकवर कर लिया है। विजय माल्या ने देश के अलग अलग बैंकों से 9,900 करोड़ रुपए लोन लिया था, जिसे बिना चुकाए वे देश छोड़कर चले गए थे। बुधवार को की गई ये बड़ी कार्रवाई इसी लोन के रिकवरी का हिस्सा है। आपको बता दें, ये पूरी डील आज स्टॉक मार्केट के खुलने से पहले ही कर ली गई थी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक में गुपकार गठबंधन के नेताओं की भूमिका काफी अहम हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान से बातचीत की महबूबा मुफ्ती की मांग को रोड़ा अटकाने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के नेताओं के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। वे राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के कदम का विरोध तर्कसंगत तरीके से शायद ही कर पाएं। नोटबंदी के बाद गृहणियों द्वारा जमा कराई गई 2,05,000 रुपए तक की नकद राशि आयकर जांच के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि इस तरह की जमाओं के आय नहीं माना जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर फैसला देते हुए ITAT की आगरा पीठ ने कहा है कि यह आदेश
ऐसे सभी मामलों के लिए एक मिसाल माना जाएगा। ग्वालियर की एक गृहिणी उमा अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अपने आयकर रिटर्न में कुल 1,30,810 रुपए की आय घोषित की थी, जबकि नोटबंदी के बाद उन्होंने अपने बैंक खाते में 2,11,500 रुपए नकद जमा किए। आयकर विभाग ने इस मामले को जांच के लिए चुनाव निर्धारित तिथि से 2.11 लाख रुपए की अतिरिक्त नकद जमा राशि की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। अग्रवाल ने बताया है कि उनके पति, बेटे और रिश्तेदारों द्वारा परिवार के लिए दी गई राशि से उन्होंने उपरोक्त राशि बचत के रूप में जमा की थी। बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर के MD आज सुबह 10:30 बजे लोनी बॉर्ड कोतवाली में अपने वकील के साथ हाजिर होंगे। इसमें उन्हें पुलिस की ओर से पूछे जाने वाले 11 सवालों के जवाब देने होंगे। इनमें मुख्य सवाल भ्रामक वीडियो पर आपत्ति के बावजूद उसे नहीं हटाने को लेकर है। इसके साथ ही उनसे पूछा जाएगा कि जब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट पर मैनिपुलेटेड का टैग लगा तो इसमें क्यों नहीं। इसके अलावा पुलिस ये भी जानने का प्रयास करेगी कि इस भ्रामक वीडियो पर कितने लोगों ने रिपोर्ट की और इस रिपोर्ट के सापेक्ष ट्विटर ने क्या कार्रवाई की। राजस्थान कांग्रेस में मचा सियासी घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच यहां निर्दलीय विधायकों ने बुधवार को एक बैठक कर सियासी सरगर्मी और तेज कर दी है। 13 में से 12 निर्दलीय विधायक इस बैठक में शामिल हैं। यहां आपको बता दें कि जब पिछले साल गहलोत सरकार पर संकट आई थी, तब निर्दलीय विधायकों ने गहलोत खेमे को अपना समर्थन देकर सरकार को बिखेरने में बचा लिया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।